अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां तीन साथी नकाब पोश चोरों द्वारा घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तीनों चोर एक बाइक पर सवार होकर घर के बाहर पहुंचे, जिसमें से एक चोर आसपास के लोगों पर नजर रखा हुआ था और दूसरा चोर बाइक पर ही बैठा रहा। वहीं तीसरा चोर ने घर के बाहर रखी बाइक में मास्टर चाबी से ताला खोल दिया और उसके बाद एक के बाद एक तीनों चोर वहां से बाइक चुरा कर फरार हो गए। वहीं वायरल वीडियो जैसे ही पुलिस अधिकारी को संज्ञान में आते ही तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। बाइक चुराते चोरों का यह वीडियो ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के तानसेन रोड पर स्थित एक अपार्टमेंट के बाहर का बताया जा रहा है। बता दें कि ग्राम भितरवार में रहने वाला 26 वर्षीय पुष्पेंद्र कोहली पुत्र प्यारे लाल कोहली लोको तानसेन अपार्टमेंट में किराए से फ्लैट लेकर पढ़ाई कर रहा है। 24 नवम्बर 2022 को पुष्पेंद्र कोहली का भाई विनोद कोहली भितरवार से अपनी अपाचे गाड़ी क्रमांक MP33MS1844 से मिलने ग्वालियर रात के करीब 8:30 बजे आया था, जहां वह अपनी अपाची गाड़ी को अपार्टमेंट के बाद भाई से मिलने के लिए फ्लैट में चला गया। एक घंटे बाद जब वह बाहर आया तो उसकी बाइक गायब हो गई थी। उसने बाइक को आसपास तलाश किया लेकिन उसकी बाइक का कुछ भी पता नहीं चला। बाइक चोरी होने का एहसास होते ही थाने पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने विनोद की शिकायत पर तत्काल आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो उसमें तीन चोर बाइक चोरी करते हुए नजर आए, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पड़ाव थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने बताया कि अपने भाई से मिलने के लिए भितरवार से उसका भाई ग्वालियर आया था। जब वह अपनी बाइक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कर उससे मिलने अंदर चला गया था, उसी दौरान तीन बाइक चोर उसकी बाइक चुराकर वहां से भाग निकले हैं। बाइक चुराते चोरों का सीसीटीवी भी सामने आया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।